अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अगर कोर्ट्स सही काम करे, पुलिस भारत की सही काम करी, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के तकरीबन आधे से ज्यादा आतंकवादियां जेल में रहते, बंडी संजय के जैसा। जो आग लगाना, मारना काटना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, देश को बर्बाद करना, करप्शन करना, मासूमों की लिंचिंग करवाना, ऐसे जहरीले काम करते आधे से ज्यादा जेल को जाएंगे ये आतंकवादियां, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के। अगर कोर्ट सही काम करा, पुलिस सही काम करी तो बहुत सही काम हुआ। बंडी संजय अंदर गए, कमिश्नर साहब डाल के फोड़ो, सीबी आनंद साहब डाल के फोड़ो, कंप्लेंट लगी तो इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक के बेटे से लियो, मैं भी दे दो, फोड़ो सालों की। भारत बचाओ, भारतवासियों को बचाओ, एकता, शांति, उन्नति लाओ। चाइना अंदर घुस के पूरा बना ले रहा ब्रिजेस, उसको भगाना है, भारत जिताना है। एक अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए इस्लाम लाइए कामयाब।